बनने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग है ना कुछ अलग है और कुछ खास है अपने लिए। और आज का दिन बहुत प्यारा है क्योंकि आज के दिन पे मतलब मैं गाड़ी का पूरा एक्सेसरीज फिट करने वाला हूँ। और दूसरी बात, वो एक्सेसरीज अपने को कोलैबोरेशन थ्रू मतलब श्रीमान के थ्रू अपने को मिल रही है, क्योंकि श्रीमान को उनने कॉन्टेक्ट किया था सब अपने सब अभी मैं पतू और कुछ श्रीमान के लिए कोलैब के हिसाब से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अपना जो हिमालयन का एक्सेसरीज है वो अपने को एक कंपनी दे रही है। वो जो है पुणे में एग्जैक्ट मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन उस कंपनी का नाम है ऑटो इंजीना कंपनी है जो अपने से कोलैब कर रही है और अपने को वो हिमालयन के एक्सेसरीज और सब कुछ दे रही है कोलैबोरेशन थ्रू। तो ये ब्लॉग कुछ खास है और बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि आज हिमालयन की एक्सेसरीज भी लगेगी और दूसरी बात अपने को वो कोलैबोरेशन भी अपने ब्लॉग का पहला है। और अपना सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपना जो ब्लॉग है मोटो ब्लॉग, ये भी अपना पहला ही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस ब्लॉग में जो मैं गाड़ी थ्रू भी शूट करूंगा अपने फर्स्ट गोप्रो से, नए गोप्रो से, भले ही सेकेंड हैंड है लेकिन नए गोप्रो से, और आपसे बात करूंगा गाड़ी पे भी। तो जुड़े रहना गाइस, ये ब्लॉग कुछ खास है। मैं आगे जाके रोड की शूट और ये सब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस इसमें डालने वाला हूँ, तो आपका प्यार कितना मिलता है उसके ऊपर डिपेंड है, तो जुड़े रहना। तो गाइस अपना पहला शब्द रहेगा अपने मोटो व्लॉगिंग पे गणपति बाप्पा मोरया छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो अपना ये मोटो व्लॉग चालू होने जा रहा है जो हम जा रहे हैं पूना में, 10 बार बोल रहा हूँ, ऑटो इंजीना एक करके शोरूम है जहाँ पे अपने को मतलब एक शॉप है जहाँ पे अपने को एक्सेसरीज फिट करने वाले हैं, उनसे अपना ये फर्स्ट टाइम का कोलैबोरेशन है और ये मेरा पहला ही मोटो ब्लॉग है। शायद ही आपको पसंद आएगा, मैं श्रीमान की तरह नहीं बोल सकता, मतलब ठीक है, मतलब नहीं क्या अपन एफर्ट्स देंगे जितने हो सकते उतने। फिलहाल ये रोड व्यू है और आगे का आपको व्यू आप देख पा रहे होंगे, एकदम ग्रीनरी है। और ये है तुम्बा करके गाँव है, अभी हम वो क्रॉस कर रहे हैं जो अपने, यार मेरा गाँव कौन सा यार मैं भूल गया, ये मोटो व्लॉगिंग के चक्कर में लुधियाना से तुम्बा नाका लगभग 40 किलोमीटर दूर है और उधर से अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है गाइस। तो जुड़े रहना, ये देखो ग्रीनरी आप देख पा रहे होंगे और ये अपना फ्रंट व्यू। आपको पसंद आ रहा रहेगा तो कमेंट में बताना, जरूर बताना कि अपना व्यू कैसा था, राइडिंग कैसी थी, पूरी राइडिंग या रात तक, बैटरी तो 3-3 है, क्या मालूम नहीं कितनी देर टिकेगी, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छा बनाने का ट्राई करूंगा। तो जुड़े रहना गाइस। ये देखो ऑफ रोडिंग देख पा रहे हो, श्रीमान जी बहुत फॉर्म में, और ये दोनों देखो जो गाड़ी बचा के चला रहे और हम दोनों जो है ना ऑफ रोडिंग पे चल रहे। वन साइड श्रीमान तो उधरते हुए जा रहा है गाड़ी, और वो देखो आप देख पा रहे हो श्रीमान जी की राइडिंग, आप देख पा रहे हो, मैं भी उसकी तरह ही पानी में कूदाते जा रहा हूँ, लेकिन शायद मेरा इधर से शूट हो पाएगा, लेकिन श्रीमान भाई आपको दिख रहे जो फॉर्म में ऑफ रोडिंग होके गाड़ी, अगर ऑफ रोडिंग नहीं चलाई तो मजा क्या है। ये सेफ ड्राइविंग कर रहे वो साइड के रोड से जो एकदम प्लेन है और टकाटक है, तो ऑफ रोडिंग का मतलब फर्स्ट सर्विसिंग से पहले अपना नहीं क्या ऑफ रोडिंग ट्राई तो करना चाहिए ना कि गाड़ी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लूज होने वाला है। ओके तो आपने देखा ही, मेरी बैटरी मांग रहे अभी पता है, एक बैटरी में दे सकते ही बैटरी ना चार्ज कर, अभी तक निकल के 15-16 किलोमीटर भी नहीं हुआ तो ये मांगनी चालू हो गई। श्रीमान जी कितना तक का बैटरी दिख रहा है आपको? भाई इधर इतना मजा आ रहा है तो सोचो लद्दाख में कितना मजा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा है इसके लिए नहीं क्या, देख पा रहे हो आप नीचे खोपोली और इधर अमृतरंजन ब्रिज था नीचे, वो अभी मतलब तोड़ दिया, बहुत पुराना ब्रिज था वो, उसको तोड़ दिया, दिखाता हूँ आपको रुको। एक राइडर तो आ चुका है, खोपोली, आवाज चिल्लाने वाला रहेगा लेकिन खोपोली। ये लोनावला मतलब ना एक प्रकार की जन्नत है रे भाई, ये देखो व्यू देखो ना यार कितने मतलब ये ऊट चल रहे हैं नल्ले, चल आगे तो मजा आएगा यार, मतलब वो जो ये है ना भाप नहीं क्या बोलते इसको, कोहरे में तो मजा आएगा गाड़ी का लेके। ओके रुको अभी कोहरे में जाते गाइस रुको। तब था एक बंदा मिला था, श्रीमान का फैन था बेचारा, वो भी कोई ब्लॉगर है, मैं नाम उसका ठीक से याद नहीं आया हेलमेट की वजह से,
वो बंदा खंडाले से, मतलब वो एक कारला आया था एक्वेरा माते के पास, तो उधर से रिटर्न वो खंडाले से वापस उधर तक आया, मतलब इधर से थोड़ा ही 7-1 किलोमीटर रहेगा इधर से कारला, तो उधर तक वो आया यार। मतलब अभी श्रीमान आगे था बहुत ना, तो इसके लिए रोकने के लिए टाइम लग गया, ना तो मैं उधर ही रोक देता था श्रीमान को, पर ठीक है दोनों जोड़ी में आए थे, चाहे थे मीवा बीबी थे, अच्छा है एक्वेरा माते को दोनों साथ में जोड़ी से आते, भाई हम तो अकेले ही आ रहे, मतलब अपन कभी शूट कर पाते थे ना भाई, सच्चे में इतना मजा आ रहा है ना। और ये हेलमेट है ना, हेलमेट इतना बाप है ना, इसको कोई एक ऐसा कुछ फ्रेम आया आगे तो उसकी वजह से भाप नहीं आती, भाप और एकदम क्लियर दिख रहा है। अभी टेंशन क्या है, रात को अभी आएगा अपना एक्वेरा माते का गेट, इधर एक दिन आना है, इसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, जो जो आएगा वो आएगा, क्योंकि श्रीमान को इधर लाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत सारी पहचान मिलेगी, फिर ऊपर नहीं जा पाएंगे, ठीक से नीचे नहीं आ पाएंगे, एक दिन आएंगे जरूर। ये देखो श्रीमान की फेवरेट कार, आड़ा तेड़ा सिग्नल नहीं कुछ नहीं, किधर भी जा रहे थे बाबा, इधर सिग्नल विग्नल मैटर नहीं है। अभी मेरे सामने एक बस था, वो मैं शूट ही नहीं कर रहा था तब तो गोप्रो बंद था, तो भाई सिग्नल नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट हाईवे से बाहर, मतलब अंदर के रोड पे, वे स्लो रहेगा तो ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो ठोक देंगे रे गाड़ी, डेंजर काम है भाई ये सब, ऐसा निकलूंगा आप देखोगे तो वापस से मुझे गाली पड़ेगी, इसके लिए मैं प्यार से ही निकल रहा हूँ। और ये मुझे बोल, मैं एक तो एक्चुअल देखो मैं स्लो ही चलाता हूँ गाड़ी, सब बहुत ज़्यादा आगे गए, मैं ही पीछे हूँ, सबसे पीछे मैं हूँ, ताकि मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं वो कस्टमर के वगैरह, तो मुझे रुकना पड़ रहा है, एक बस वाले ने एक लफड़ा किया उसकी वजह से रुकना पड़ा, तो इसकी वजह से ना क्या थोड़ा मैं स्लो ही कर रहा हूँ गाड़ी, अभी मुझे गाली भी देंगे किधर किधर रुक रहा है, फटाफट चलो वगैरह, लेकिन क्या ही करें, दिक्कत है तो है, तो है भाई, गुड डिसीजन, ये बंदे अपने इधर रुकिए, ऐसे रुकने चाहिए 50-50 मीटर पे, कुछ टेंशन नहीं। में गाड़ी चलाने का मजा अलग है, लेकिन अभी इधर शायद टोल आया है आगे, और वो देखो गणपति बाप्पा तळेगाव पहुंच चुका है अपन, इधर अंदर से मिनी शिरडी जाने के लिए रोड है ये साइड से, और ये देखो गणपति बाप्पा आ रहे कि नहीं फ्रेम में मालूम नहीं है, लेकिन देख लो गणपति बाप्पा मोरिया। अभी ये बलकलावा है ना, ये आया है नीचे हेलमेट की वजह से, और मेरा पूरा कपाल करंटा हो गया है, मुझे कपाल से ना ऐसा आग तक आने लगा है वो बलकलावा, लेकिन मुझे श्रीमान की मम्मी बोली बलकलावा ले ले, नहीं तो किरण दादा की तरह तू टकले हो जाएगा। मैंने डर की वजह से, मतलब टकला ना पड़े इसकी वजह से ना, पहला बलकलावा लिया, हेलमेट से भी पहले बलकलावा लिया, उसके बाद हेलमेट लिया, टकला नहीं होना है भाई इतने जल्दी, ऑलरेडी बुड्ढा तो बना दिया है, अब टकला बिकला गिरा तो ऑलरेडी सच्चे में बुड्ढा बुड्ढा ही बोलेंगे। इधर तो बारिश का एक ठेम भी नहीं है, मतलब मेरा कपड़े पूरे गीले हो चुके थे लोनालो के पहले, और अभी डायरेक्टली मतलब सूखने के लिए रेडी हो चुके, सूखने के लिए पूरा गीला हूँ मैं, अंदर से मुझे ठंड भी लग रही है। और ये क्यों रुका श्रीमान इधर, अभी वो चाहिए रे, वो क्या बोलते उसको, वो चाहिए वो सेना का वगैरह चाहिए, क्या हुआ? पत्याला मी 10 वेळा हॉर्न मारला थांबला नाही, चालू शूट, पूरा मेंटल है वो। इधर रोड मोकळा भी लाय ना थोड़ा, नहीं क्या रॉयल विलेज 100 के ऊपर मतलब ठीक ठाक जाती है, सर्विसिंग नहीं है इसकी वजह से ही हो सकता है, लेकिन मज़ा भी आता है। लेकिन ये मोटो व्लॉगिंग जो है ना, श्रीमान जी नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ना मुझे एक पता नहीं है कि जाना कहाँ पे है, ऑटो इंजिना इतना ही मुझे याद है कि उनका शॉप है, ये उनके ही प्रोडक्ट है उनके नाम के, अभी उधर जाके ही अपने को डिटेल्स पता चलेगी। अगर किसी को भी बिठाने के रहेंगे तो आप उधर जा सकते हैं, ऑटो इंजिना करके एक है, अभी पहुंचने के बाद पता चलेगा उनको कौन सा प्रोडक्ट अपने गाड़ी पे आने वाला है, और उसकी क्वालिटीज़ वगैरह सब आपको देखने मिलेगा। और अपने पूना वाले बंदे तो शायद उधर जा ही पाएंगे, मतलब इतना तो कर लेंगे अगर हिमालयन किसी ने खरीद ली तो, ऑटो इंजिना में जाके अपने नाम पे, मतलब श्रीमान ने भाई का नाम भी बोला कि उन्होंने लगाए थे, तो आप वो भी उधर जाके कर सकते हो। तो जुड़े रहे ना, आपको पता चलेगा कि ऑटो इंजिना का एक्चुअली शॉप है किधर, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम, पहुँचने के बाद मुझे पता चलेगा। अभी जी पता जी तो चिपक के चल रहे हैं, और अभी जी के पास 360 है, लेकिन शायद सी उसके पास माइक रहता था ना तो अच्छी बात होती थी, वो भी उसका वॉइस रिकॉर्ड कर पाता था। बोलता दिक्कत क्या हो रही है कि उसका माइक नहीं है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है सब, क्योंकि उसका आवाज़ नहीं आ रहा है, वो शूट तो प्रॉपर करेगा लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है भाई। अभी मैं इतना शानपना कर रहा हूँ आवाज़ बवाज का, मेरा आवाज़ कैसा आया है वो मुझे खुद को मालूम नहीं है, या मेरा शूट कैसे दिख रहा है वो मुझे मालूम नहीं है, और मैं क्या शानपना कर रहा हूँ मुझे मालूम पता नहीं। पता है ऐसा होशियार है, पता नहीं एक दो बार किया हुआ है ऑफ रोडिंग का, ये रिकॉर्डिंग उसने किया हुआ है, बस हमने नहीं किया।
मतलब मैंने सब जुगाड़ कर लिया था, चार्ली का गोप्रो हेलमेट विलमेट, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। बोला जाने तो अपना खुद का रहेगा तो ही बेस्ट है। चलो गाइज मिलते हैं, नहीं तो गोप्रो की बैटरी वापस चेंज करने के लिए अभी को रोकना पड़ेगा। मिलते हैं शायद, अभी देखते आगे क्या, मतलब रुके खाने पीने के लिए तो अपन उधर शूट करेंगे। फिर आया मोबाइल, हेलमेट का तो कुछ ज़रूरत पड़ेगा नहीं उधर अपने शूट के लिए, देखते हैं अभी। तो लोकेशन पे तो आ चुके हैं अपन, इधर आके समाप्त तो हो गए, लेकिन इधर बस झाड़ी है, इधर भी झाड़ी है। ऑटो इंजन कहाँ पे वो अभी तक पता नहीं चला, अभी श्रीमान भाई कांटेक्ट कर रहे, देखते किधर है अभी उनका। A few moments later. वो ऑटो इंजन, यही वो शोरूम है जहाँ पे अपना कोलैबोरेशन है। और ये इधर हम पहुंच चुके एकदम सेफ, सेफ ड्राइविंग करके, यही वो सॉरी लगता है जिससे कॉन्टेक्ट कर रहे थे श्रीमान भाई। यही ऑटो इंजन जहाँ पे अभी अपनी गाड़ी और अपग्रेड रहेगी, और क्या क्या एक्सरसाइज लगते हैं ये आपको अभी देखने मिलेगा अपने मोबाइल पे। श्रीमान जी क्या है ये, वो मैन्युफैक्चरिंग करते ना, ये स्क्रैच गार्ड वगैरह सब इधर पे ही बनते, ये इनका मतलब ये शायद से नया ही है लग रहा है उनका। हाँ अच्छा, तो ये इनका वर्कशॉप है जहाँ पे ये सब एक्सेसरीज बन रही है। और ये देखो आरामदायक ज़िंदगी, और उनका नाम है पहले भी देखा रहेगा आपने, ये इस पर कॉन्टेक्ट वगैरह भी है आप देख सकते हो। गाइस इन्होंने ये खुद बनाई है इस कंपनी ने ऑटो इंजन, और ये गाड़ी है 800 सीसी, कौन सी 822 सीसी, लेकिन ये कौन सी है, हिमालयन है ना। बाप रे, ये देखो इसका इंजन, उसका गट्टू रे। ये देखो गाइस ये इनके प्रोडक्ट है हिमालयन के, आपने सब ये गार्ड वगैरह, ये ऑटो इंजन, ये देखो ये पेटियाँ, ये इसकी ज़रूरत है सामान रखने, पूरा गीले हम। या और भी गाड़ियों के हंटर, उनके बाद में KTM 390 के भी उनके पास एक्सेसरीज, उन्होंने मतलब खुद मैन्युफैक्चरिंग है ना ये, और इन्होंने शायद ये ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बनाई है। इसका प्रॉपर एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा। ये भी देखो कैसी खतरनाक बनी यामा, मुझे बनाने की है RX 100, अपने ऐसी सड़ रही है, देखते कब बनाते। अभी गाड़ियों का काम चालू करने जा रहे हैं वो लोग, फिलहाल श्रीमान की गाड़ी वॉश करने, क्योंकि उसके इधर बहुत ज़्यादा लगने वाली साइड से एक्सेसरीज, क्योंकि वो गार्ड वगैरह सब निकलने वाले श्रीमान की। वॉशिंग मशीन तो प्रॉपर चल रही है भाई, श्रीमान भाई की गाड़ी का काम हो रहा है। ये फिट किया है उन्होंने, ये घर ही पर लाते हैं ना माला, अच्छी लग रही है अभी। और हाइट भी एकदम कड़क रहे हाँ। One hour later. आपका ये पीछे वाला साइडस पे आने वाले, मतलब अभी तक आया नहीं आपके, नेक्स्ट वीक 100% आ रहा है, नेक्स्ट मंथ मतलब ऑलमोस्ट ईयर अभी हो गया ना, कितना कदम अपन लॉन्च करने वाले। तो अभी फिलहाल अगर हमको लगाने का रहेगा तो आपके पास कुछ नहीं है अभी तो? नहीं सर, इसलिए तो ये इन्फील्ड के लाने पड़े अपन को, प्रॉब्लम विद इन्फील्ड इज दैट उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, शोरूम्स में भी नहीं मिलते हैं, बड़ा दिक्कत है भाई। ये इन्होंने अरेंज करके दिया श्रीमान जी को कैसे वैसे, अभी श्रीमान इसमें दूध की थैलियाँ रख के चलो भाई, सवेरे 6 बजे से बिजनेस चालू। ये दो है आपके 72 लीटर के, हाँ वो हो गया 42 लीटर 42, मैंने कल पढ़ा था आपके साइड पे। अच्छा ए श्रीमान जरा बाजू थोड़ा, मस्त लग रहा है श्रीमान, हाँ एकदम भरी हुई रे, बस नंबर आ जाए ना तो खासियत आ जाएगी गाड़ी को। और नेक्स्ट मंथ में बहुत कुछ आने वाला है नया, ऑटो इंजिना में बहुत सारे प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ में आने वाले। सर ने तो मतलब बोला है मुझे, इसके लिए मैं रुक रहा हूँ, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। वो ओके थैंक यू सर, अभी लेकिन मज़ा भी आ रहा है गाड़ी देखने में। ये बेंड भी हुआ ना तो इधर रिपेयर होता है, अच्छा है ना, हाँ मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी जबरदस्त दिख रहे। ये एक मिला है
और सीमन इसके साथ क्या मिलेगा इसको, इसको क्या मिलेगा और ऑटो इंजन का सब मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं, इसने अच्छा किया ना भाई, गार्ड ने लगाया। पते की गाड़ी का तो हो गया, अभी मेरे गाड़ी का नंबर है। कैसे दिख रही देखो ना, एकदम टकाटक सिलेंडर जरा, उसके ऊपर इनका ऑटो इंजन का उसका कुछ गार्ड लग रहा है। कौन सा गार्ड है दोस्त, दिखा जरा। मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, ओके मास्टर सिलेंडर का गार्ड। तब कोपचे में क्यों डाला है मेरी गाड़ी को, लो ना इधर बाहर लो। गुलामी मुस्तफ़ा, और तुम्हारा नाम क्या है रे? ओनू। मोनू, मोनू, मोनू बेबी। चलो काम चलो। और ये देखो, ये लाइट लगाने के लिए उन्होंने एकदम सोफा काम करके दिया, मस्त चल रहा है अपनी गाड़ी एकदम। अभी रानी के माफिक तो लग रही है, ऑफ रोडिंग फूर नुस्तों, ऑफ रोडिंग चिक्कल मई गाड़ी चलेगी। और पते के जो ये हमारे सब गाड़ियों में पते की गाड़ी एकदम स्वच्छ है, इसकी वजह से और लुक आ रहा है। अभी फिटिंग होने जा रहा है लाइट गार्ड, तो भाई लाइट सेटिंग मत दिलाना क्योंकि मैंने कल ही फिट करके, डायरेक्ट ऊपर के आम देखती है वो गाड़ी, झाड़ के ऊपर के ऐसा लाइट जाते हैं ऊपर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेडिएटर गार्ड ना, ग्रिल। मेरे को एक दोस्त ने बना के भेजा है हमारे आयम का लोगों का, कुटे कुटे लावाचा काम है। चलो गाइस, हमारे पूरे एक्सेसरीज उन्होंने लगा के फाइनल हो चुकी है हमारी गाड़ी। ऑटो इंजिना अगर आपको लगाने का रहेगा तो आप यहाँ पे आ जाना, एड्रेस वगैरह मैं डाल दूंगा इसमें वीडियो में, उनका कार्ड में इसमें दे दूंगा, उनको फोन करना, आपको कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट कॉल। कॉल किसको, किसका नंबर है, लेकिन कंपनी का नंबर है ना, वेबसाइट तो मैंने ले लिया, बस तुम्हारा कार्ड दे देना विजिटिंग, ताकि मैं वीडियो में डाल दूँ, टेंशन ही नहीं। आप वो पॉज करके उनको बिंदास कॉल कर लेना, रॉयल इनफील्ड के जो भी प्रोडक्ट का आपको चाहिए वो सब आपको इधर अवेलेबल हो जाएगा। KTM, BMW सब GS वगैरह के हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वीडियो देखो, श्रीमान की बाइक मचा दिया है। ए रुक, ड्रॉप कर जरा पत्या। और ऑटो इंजन ने हमें जो मॉडिफाई करके दिया है ना, बेस्ट। सब जगह पे कार भी उनके ही लग गए, हमारे इधर प्रॉपर एक ही सेटअप है अभी गाड़ी पे। ये देखो पेटिया तो देखो। पत्तू की गाड़ी को बाकी इग्नोर मारो, थोड़ा धूल में माकी है, बाकी सब ठीक है। बाकी ये विक्रांत सक्सेना जी है जो हमारे लाइट का जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब आज रात इधर ही लग रही है, पूरा के पूरा अपना फिटिंग हो चुका है। और उन्होंने क्या क्या लगाया वो उनके ही मुंह से सुनो, उन्होंने मुझे क्या क्या फिट करके दिया है। सर बोलो। ये अपना हेडलाइट ग्रिल है। हाँ, ये बेसिकली हिमालयन का जो रगेडनेस है उसको ऐड करने के लिए हमने ये डिज़ाइन बनाया था। तो ये आता है 1700 का, तो हेडलाइट के लिए जो प्रोटेक्शन भी देता है प्लस ये डिज़ाइन एलिमेंट भी है हिमालयन के। सेकेंड फॉग लैम्प क्लैंप ऐड किए, बेसिकली इसको मल्टीपल पोजीशन का आप कोई भी फॉग लैम्प फॉग लाइट लगा सकते हो, इसमें दो तीन पोजीशन हैं जैसे आगे ऊपर भी है। तो ये 1300 का आता है। ओके, ये हमारा हिमालयन का एक मार्की प्रोडक्ट है क्रैश गार्ड, बहुत सारे हिमालयन पे आपने देखा ही होगा। तो ये आता है 5000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर ये अपना स्लाइडर आता है, क्योंकि जो स्लाइडर इसको बोलते हैं, तो ये नाइलॉन स्लाइडर होता है, ये बहुत प्रोटेक्ट करता है जब भी आपकी गाड़ी क्रैश होती है टारमैक के ऊपर। ये हमारा टॉप बॉक्स है 42 लीटर का, तो ये आपने देखा ही होगा बहुत सारे हिमालयन के ऊपर। तो ये क्विक रिलीज मैकेनिज्म के साथ आता है और ये पूरा मेड इन इंडिया टॉप बॉक्स है, इसका जब भी आपके फ्यूचर में कभी मेंटेनेंस आता है, क्योंकि बहुत सारे जो अपने हार्ड लगेजेस होते हैं इसको एक पीरियडिक मेंटेनेंस लगता है, क्योंकि क्रैश होते हैं ऑपरेटिंग के साथ, आप जब भी यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस आ सकता है। तो ये मेड इन इंडिया है, तो आप कब भी आके आप अपने ऑटो इंजना में उसको मेंटेन कर सकते हैं। और सर अगर किसी को आने का रहेगा आपके यहाँ पे, तो इधर का एड्रेस क्या है? इधर का एड्रेस है ये अपना धाईरी में BSK विश्व रोड है, इसके यहाँ पे ऑटो इंजन आप गूगल मैप्स पे डालोगे तो सेम एड्रेस पे आपको मैप नेविगेट कर देगा, इधर तक पहुंच जाएगा आदमी। हाँ, जिसको भी करने का है। ओके, तो गाइज मैं इसका और इनका विजिटिंग कार्ड भी इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आपको जिसको भी फिट करने का रहेगा, हिमालयन हो, बुलेट हो, KTM रहो, ऑफ रोडिंग की कौन सी भी बाइक रहे, हर एक प्रोडक्ट ये बनाते,
तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका नंबर, इनका एड्रेस इन्होंने बता दिया है, फिर भी मैं इनका विजिटिंग कार्ड डाल दूंगा। जिसको फिट करना है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर भी उसमें ऐड है, आप उनसे कॉल करो। और सर थैंक यू सो मच, और जल्दी वापस मिलेंगे ये दुआ करते, और थैंक यू सो मच वापस से। इसके बाद अगर किसी को डिस्काउंट देने का रहेगा आपको, तो क्या यूज करना पड़ेगा? अरे श्रीमान टेंद्रे बच्चा, 10% डिस्काउंट विषय लो। क्या बात कर रहे हो सच्ची में? बस प्यार के लिए उन्होंने हाँ बोला, हमने बस बोला और उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर दे। थैंक यू सो मच सर वापस से, एक बार तीन बार तो इनसे मैंने हाथ मिलाया। यही वो टीम है जो ऑटो इंजिना में काम करती है, और पूरा गाड़ी का काम फाइनल होने के बाद एक फोटो बनता है जो टीम ने ये वर्क किया है। तो थैंक यू सो मच ऑटो इंजिना, बहुत बहुत प्यार आप सबको। तो फाइनली गाइज ये व्लॉग इधर तक था कि मतलब नहीं क्या, अगर मैं अभी रात को GoPro से शूट करूंगा तो इसमें ऐड डाल दूंगा ऐसे ही, वो एक रफली वीडियो वगैरह डाल दूंगा। लेकिन ये ब्लॉग इधर तक था ताकि ये अपना कोलैब वाला ब्लॉग था, जो कि अपने हिमालयन के जो भी एक्सेसरीज फिट किए वो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो उन लोगों ने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या क्या फ़िट किया है। बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छे से काम किया है उन्होंने, एकदम प्रॉपर फिटिंग है। तो कुछ नहीं था, ये कोलैब वाला ब्लॉग इधर तक ही था। जो अपनी गाड़ी अभी एकदम रानी लग रही है, जो कि प्रॉपर टूरर लग रही है, अभी ठीक ठाक टूरर लग रही है, और इसके बाद और भी कुछ वो चीज़ देने वाले, उसका व्लॉग हम नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ देंगे उस टाइम पे बनाएंगे। तो ये देखना फाइनल, तो अभी लेट्स गो, बाय बाय।